लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो इसके दो तरह के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है कि लेखक के अनुसार जीवन में जो उत्पाद है, जो भी उत्पाद है जीवन के, उनको उपभोग भोग ही सुख है। ठीक है, उपभोग भोग ही क्या है? सुख है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए जितने भी उत्पाद की जरूरत है उनको आवश्यकता के अनुसार भोगना ही जीवन का सुख है। ठीक है, नहीं समझ में बात? क्या कह रहा है लेखक? लेखक के अनुसार जीवन में उत्पादों को उपभोग और भोग ही सुख है, मतलब उपभोग करना ही क्या है उसका सुख है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन में सुख है। एक तो ये आंसर लिख सकते हैं आप। दूसरा मैंने आपको बताया ये कि मैं दो तरह के आंसर बताऊंगा, यहां से देख सकते हैं। जो जमे कर लेना याद देना, ये जमे तो ये कर लेना, ये भी सिंपल लगा मेरे को, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, परंतु आजकल जो लोग है ना, उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख कहने लगे। ठीक है, लेखक के अनुसार क्या है? जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख कहने लगे। विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी क्या कहलाते हैं? सुख कहलाते हैं। यानी कि मानसिक रूप से कुछ आराम मिला तो वो भी सुख है, शारीरिक रूप से कुछ अपने को मिला तो वो भी सूक्ष्म आराम तो भी, पर लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है? बिल्कुल साफ पचना नहीं चाह रहा है। ठीक है, यदि मान के चलिए आपके पास साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, तो आप चुनाव किसका करोगे? आज चुनाव करेंगे बेटा पर मोटरसाइकिल का। क्यों? क्योंकि साइकिल उस जमाने में सुख कहा जाती थी लोगों के हिसाब से कि जब मोटरसाइकिल नहीं थी। आज साइकिल भी क्या उनके लिए मुसीबत है। जैसे हैंडपंप है ना पानी के लिए और एक ट्यूबवेल है, आज हैंडपंप आज से 10 से 20 साल बाद देखते पहले देखा होगा ना आपने, छोटे से होंगे जब देखा होगा आपने बचपन में कि बिल्कुल हैंडपंप से पानी बिल्कुल दिन रात करते थे, पर आजकल तो साहब मोटर का कनेक्शन लेके घर में नलके लगाओ भाई, मोटर पे भरने भी नहीं जाए, वही घर में किचन में हो ना साहब, सही में आगे बैठो। तो ये जो लोग है ये क्या है? केवल उपभोग करने वाले साधनों को भोगना ही इनके हिसाब से सुख है। पर कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है सॉरी, कि विभिन्न प्रकार के जो मानसिक भले छोटे से आराम मिले अपने को, सूक्ष्म आराम मिले, अरे भैया हैंडपंप तो मिला, हैंडपंप में से चलो वो भी सुख है। ठीक है, लेकिन समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से बेटा आप ये चाहे तो ये उत्तर याद कर लेना है, चाहे तो आप ये आंसर याद कर, जो जमे अच्छा जमे वो करना है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।